वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और फेस्टिव सीजन आ भी चुका है, दुर्गा पूजा भी आने वाला है और नवरात्रि भी, तो सभी को ढेर ढेर शुभकामनाएं। बहुत अच्छे तरह से ये फेस्टिव सीजन आप लोग इंजॉय कीजिए। तो आज है महालया, सभी को शुभ शारदीया। तो आज बंगालीज के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डे है, सो मैं सोची कि आज के दिन को मैं और भी स्पेशल बना देती हूँ। तो मैं आज ट्राई की हूँ एक ट्रेडिशनल बंगाली लुक क्रिएट करने का। तो देख लीजिए आज मेरा लुक किस तरह से मैं क्रिएट की हूँ। तो आज का ये लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मैं बता दूँ, मेरा नाम है पूजा। इस चैनल पे मैं मेकअप से रिलेटेड सारे ही वीडियोस देती रहती हूँ। तो वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक, कॉमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए। पास में जो बेल आइकॉन है उसे हिट करना मत भूलिए। मैं आज कोशिश की हूँ मैं बिल्कुल ही आज एक बंगाली लुक क्रिएट करूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा आने ही वाला है, बहुत एक्साइटमेंट है और नवरात्रि भी आने वाली है। तो मेरे वीडियोस भी देखते रहिए, मैं वीडियोस में आपको दिखाती रहूंगी नए नए लुक्स, ताकि फेस्टिव सीजन में आप और भी सुंदर दिख सके। जो भी मैंने इस वीडियो में प्रोडक्ट यूज की हूँ सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, तो अगर आप लेना चाहते हैं वहां से ले सकते हैं। मैं आज जो आई शैडो की हूँ वो एक स्पॉटलाइट आई शैडो है। तो चलिए मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करती हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ किस तरह से आज मैं ये लुक क्रिएट की हूँ। लेट्स गो। मेकअप से पहले ज़रूर स्किन केयर कर लीजिए। यहाँ पे मैं गुड वाइब का टोनर यूज़ कर रही हूँ, यह है ग्रीन एप्पल टोनर। टोनर यूज़ करने से स्किन को ये मिनिमाइज़ करता है जो भी ओपन पोर्स है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ निविया का मॉइस्चराइज़र, बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है। और मेकअप से पहले ज़रूर कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए। नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ निविया का लिप बाम, उसके बाद मैं लूँगी ब्लू हेवन का प्राइमर बहुत ही कम अमाउंट में, अपने टी जोन एरिया और पूरे ही फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ज़रूर प्राइमर यूज़ कीजिए तभी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एन वाई पे का कॉन्सीलर ले रही हूँ, कम प्राइस में बहुत अच्छा है कॉन्सीलर है और इसका सेड है 03। यहाँ पे मैं पूरे ही फेस पे जहाँ पे भी डार्क स्पॉट है वहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। आज मैं इस कॉन्सीलर से ही मेकअप करूँगी, कोई कलर करेक्टिंग नहीं करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे तरह से मेकअप को मैं ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी फिटमी का फाउंडेशन, वन पम्प ही लूँगी, मेरा सेट है वार्म न्यूट। उसके बाद स्विस ब्यूटी का पल इल्यूमिनेटर वन ड्रॉप ऐड करूँगी, उसे अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद अपने फेस पे और नेक पे अप्लाई कर लूँगी। इस इल्यूमिनेटर को ज़रूर ऐड कीजिए अपने मेकअप पे, एक ड्यूई ग्लोई मेकअप चाहते हैं तो। उसके बाद ये ब्लेंड हो जाने के बाद मैं अप्लाई करूंगी माई क्लैम का कॉम्पैक्ट पाउडर। ये सारे पाउडर प्रोडक्ट को मैं ब्लू हेवन के फिक्सर की हेल्प से सेट कर लूंगी। उसके बाद मैं यूज़ करूंगी एन वाई बे का कॉन्सीलर अपने अंडर आई, नोज़ और अपने फोरहेड पे, उससे भी अच्छे तरह से मैं ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं SFR कलर का लेवेंडर पैलेट ले रही हूँ, मेरा एक फेवरेट पैलेट है, बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे भी है। उससे मैं पहले येलो कलर लेके अपने क्रीज लाइन पे ड्रॉ करूँगी, उसके बाद रेड कलर को अपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करूँगी, अपने आई बॉल पे नहीं दूंगी। आज मैं स्पॉटलाइट आई मेकअप कर रही हूँ, अपने और एक आई पे भी मैं सेम रेड कलर से दोनों ही साइड पे दूंगी और आई बॉल को छोड़ दूंगी। नेक्स्ट मैं आई बॉल पे कॉन्सीलर दे रही हूँ ताकि आई मेकअप हाईलाइट हो। उसके बाद इस कॉन्सीलर को मैं एक मैट कलर के येलो कलर के साथ मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छे तरह से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद अपने आई बॉल पे मैं प्रेस्ड ग्लिटर दे रही हूँ गोल्डन कलर का, ये आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है दिखने पे। अपने आँखों पे नीचे भी मैं अप्लाई कर रही हूँ आई शैडो। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का काजल ले रही हूँ, अपने वाटर लाइन पे का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा एक आईलाइनर है। उसके बाद माई क्लैम का यहाँ पे मस्कारा यूज़ कर रही हूँ।
नेक्स्ट यहाँ पे माई ग्लैम का ही एक रेड कलर का लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। डीएम स्लाइट है इसका कोट। और यहाँ पे स्विस ब्यूटी का फेस पैलेट से मैं कॉन्टोर कर लूँगी। मेकअप करने के बाद ज़रूर फेस को कॉन्टोर कीजिए, तभी एक शैडो इफ़ेक्ट आता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ब्लश। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा फेवरेट हाइलाइटर मास्टर क्रोम मेबेलिन का हाइलाइटर, बहुत अच्छा एक ग्लो देता है। उसके बाद अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी एक ब्राउन शेड्स की हेल्प से। उसके बाद स्पूली से मैं अच्छे तरह से कॉम्ब कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ सेम ब्लू हेवन का। नेक्स्ट एक बिंदी लगाऊंगी रेड कलर का। और उसके बाद कुछ ज्वेलरीज मैं पहन रही हूँ गोल्डन कलर का, ताकि एक ट्रेडिशनल बंगाली लुक क्रिएट कर पाऊँ। उसके बाद हेयर पे मैं एक पफ की मदद से पहले सामने पे एक पफ कर लूँगी। उसके बाद पीछे से हेयर को मैं बन बना लूँगी। और देख लीजिए ये है फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और वीडियो किस तरह के देखना चाहते हैं मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उस तरह के ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और सभी अच्छे तरह से रहिए, ये फेस्टिव सीजन को और भी अच्छे तरह से सेलिब्रेट कीजिए। सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आने वाली हूँ, तब तक के लिए बहुत अच्छे से रहिए। बाय बाय।